क्या हो, आप एक सुबह उठे और आपको इतिहास की सबसे बड़ी गलती सुधारने का मौका मिले। मैं बात कर रहा हूँ समय यात्रा कर हिटलर को मारकर उन 2 करोड़ लोगों की जान बचाने की। अगर आप यह करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समय, इसने हम मनुष्यों को हमारे शुरुआत से ही उलझन में डाल रखा है। कई लोगों ने अमर होने का दावा किया लेकिन इसे आज तक कोई बच नहीं पाया है। हम हमेशा सोचते हैं, काश मैंने इस नंबर की लॉटरी टिकट ले ली होती तो आज मैं करोड़पति होता, या फिर मैंने अपने पास्ट में यह गलती ना की होती तो आज मैं कुछ और ही होता। हम सभी कभी न कभी अपने पास्ट में की गई गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एक ऐसी ही सबसे बड़ी गलती है वर्ल्ड वॉर 2। चलिए मेरे साथ इतिहास के उस सफर पर जहां हम अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। क्या हो अगर हम हिटलर को उसके जन्म के वक्त ही मारते? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें एक समस्या है। 1889 में बेबी हिटलर के मृत्यु के बाद पूरा इतिहास एक नए सिरे से शुरू होगा। इसमें एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास भी उत्पन्न होगी। आप लोग कहेंगे कि वेल, यह एक अच्छा मौका है हिटलर को मारकर सभी समस्याओं को हल करने का। बेबी हिटलर को मारते ही वर्तमान में हमारे पास कोई मकसद नहीं रहेगा जिससे हम पास्ट में जाकर हिटलर को मार सके। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर हिटलर अपने जन्म के वक्त ही मर जाता है तो ना ही कोई विश्व युद्ध होगा और ना ही हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर हिटलर को मारने जाएंगे। यह पैराडॉक्स कुछ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है, जिसमें अगर आप समय यात्रा कर अपने ही ग्रैंडफादर को उनके जन्म के वक्त मार देते हैं तो ना ही आपके पिता का जन्म होगा और ना ही आप पैदा होंगे। अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप अपने ग्रैंडफादर को कैसे मार सकते हैं? लेकिन इसका भी एक उपाय है, पैरेलल यूनिवर्स का क्या, जहां समय में वापस यात्रा करना एक समानांतर ब्रह्मांड को जन्म देता है। उस मामले में हिटलर को मारने से एक नई टाइमलाइन बनेगी लेकिन पुरानी टाइमलाइन मौजूद रहेगी। क्या हो अगर नई टाइमलाइन में हिटलर की जगह कोई और ले ले जो उससे कई गुना अधिक क्रूर हो? हम अपने इतिहास को सुधारने के बजाय इसे और पेचीदा करते जाएंगे। यह दुनिया और भी दुख एवं दर्द से भरी होगी, क्योंकि अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो नाजीज़म एक मूवमेंट थी। एक समय पर अगर हिटलर ना भी होता तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 को कोई और लीड करता, और क्या पता शायद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 जीत भी जाती। आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यह सब के बाद शायद आप हिटलर को ना मारना ही बेहतर समझे और सोचेंगे कुछ ऐसा किया जाए जिससे हिटलर भी ना मरे और कुछ लोगों की जान भी बचाई जा सके। मैं आपको बता दूं, यहाँ एक गड़बड़ी है। आप सभी ने शायद चाउस थ्योरी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आप सभी इसे बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से जानते होंगे। इसमें किसी भी सिस्टम में एक छोटी सी गड़बड़ी एक बहुत बड़े घटना को जन्म दे सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1905 में एक व्यक्ति था जिसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, जो वेना सिटी ऑस्ट्रिया में स्थित है, उसमें अप्लाई किया, किंतु उसका आवेदन पत्र 2 बार रिजेक्ट हो गया, जिसके वजह से वह स्लम में रहने के लिए मजबूर हुआ। उस व्यक्ति का नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसने बाद में जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 एक बटरफ्लाई इफेक्ट की देन है। तो आपकी एक छोटी सी गलती हमारे पूरे इतिहास को बदल सकती है, और हमने ऐसा होते हुए देखा है। तो मेरे ख्याल से आप उस बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहेंगे जिसने हमारे इतिहास को सुधारने में कम उसे उलझाने में ज्यादा योगदान दिया। और जहां तक रही पैरेलल यूनिवर्स की बात, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपने टाइमलाइन को नहीं बदल सकते, क्योंकि थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स हमें इसकी इजाजत नहीं देता। चाहे तो आप इसे सेल्फ कॉन्सिस्टेंसी थ्योरी भी कह सकते हैं, यानी अगर हम अपने इतिहास को कितनी भी बदलने की कोशिश करें किंतु वह किसी न किसी तरीके से होकर रहेगी। हम केवल एक नया टाइमलाइन क्रिएट कर देंगे जिसमें लोगों ने कम पीड़ा सही होगी, लेकिन हमारे वर्तमान के टाइमलाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे न ही वर्ल्ड वॉर 2 टलेगी और यह दोनों टाइमलाइन एक दूसरे को कभी नहीं जान पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं छिड़ा होता तो न ही जर्मनी पोलैंड एवं फ्रांस पर हमला करती, जिसके वजह से द ग्रेट ब्रिटेन को इस लड़ाई में कूदना पड़ता। ब्रिटेन दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के बाद काफी कमजोर हो गई थी, जिसके बाद भारत में महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज काफी ताकतवर हुई, जिसने 1942 में अंग्रेजों को भारत से भगाना चालू कर दिया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। एक तौर से देखा जाए तो अगर हम हिटलर को मार देते हैं तो यह सब मुमकिन नहीं हुआ होता और न ही भारत आजाद होता। हम समय यात्रा कर हिटलर को नहीं मार सकते। हम ऐसा करके या तो अपने इतिहास को दोबारा से लिखेंगे या फिर हम अपना वजूद ही खो बैठेंगे। इसी में भलाई है कि इतिहास में हुए घटनाओं को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। हम अपने पास्ट में की गई गलतियों को नहीं बदल सकते, पर भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए वही गलती वर्तमान में दोहराना समझदारी नहीं है। हमारा वर्तमान एक कोरे कागज की तरह है जिसमें हमारे द्वारा लिखावट नहीं बदली जा सकती। हमें यह सोचना बंद करना होगा, काश मैंने यह बात उससे बता दी होती तो हालात कुछ और होते, या फिर
मैंने इस नंबर का लॉटरी टिकट ले लिया होता तो मैं भी आज करोड़पति होता। यह सब पास्ट की बातें हैं। हमारे पास प्रेजेंट यानी हमारा वर्तमान ही है जिसमें हम अपना 100% दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो बीट ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को इसमें टैग जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।